गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, इतनी ज्यादा पड़ रही है, देखिए अगल बगल से पसीने से एकदम परेशान है। किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अब क्या किया जाए, पेट है तो फिर खाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में आज क्या कुछ है, आज मेरे ब्लॉग में बहुत ही टेस्टी, सीजन के हिसाब से आजकल करेले खूब आ गए हैं, तो करेले का भरवा करेला बनाते हैं, यानी कलौजी बनाते हैं। तो हम किस स्टाइल में बनाएंगे, मेरी दादी बनाती थी, आजकल आम का सीजन होता था ना, तो वो बिना आम के नहीं बनाती थी। थोड़ा खट्टा अगर डाल दीजिए अगर करेले में तो बहुत टेस्टी होता। तो चलिए देखिए क्या क्या उसके लिए लेंगे, कौन कौन सा मसाला लगेगा, क्या क्या और आइटम लगेगा, जिससे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनेगी। ये हर वर्ग को बहुत पसंद आता है और हर एज को फायदेमंद होता है, हर किसी को पसंद आता है। हाँ, कुछ लोग करेला नहीं पसंद आता तो कलौजी के रूप में खा लेते हैं। खाना चाहिए करेला, बहुत फायदेमंद है, खून साफ होता है, मन साफ होता है, शुगर कंट्रोल करता है, तमाम चीज़ें तो खाना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमने 1 किलो से ज़्यादा करेला ले लिया है, और जो नरम नरम करेला था उसी को हमने लिया है, और दो तीन पानी, तीन पानी हमने इसको खूब बढ़िया से धुल लिया। धुलने के बाद में छान लिया, छानने के बाद इसका पूरा पानी सूख गया है। सूखने के बाद सभी के पेट में हमने ऑपरेशन कर दिया है, यानी सबके पेट को हमने चीर दिया है, यानी सभी को खोल दिया है, कोई ऐसा नहीं है जो खुला नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम दूसरा का क्या हम करेंगे, आम ले लेंगे, आम को बढ़िया से हम छील लेंगे, यानी कि आम छील के रख लिया। लहसुन खूब सारा ले लिए हैं, थोड़ा लहसुन अगर कलौजी में होता है तो कलौजी की जान हो जाती है, बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए मसाला क्या क्या तैयार करेंगे, धनिया ले लिया, सौंफ ले लिया बड़ी वाली, मेथी ले लिया, मंगरेल ले लिया, और जीरा ले लिया, और थोड़ा सा लाल मिर्च ले लिया। यही इतने सामान से हमारा बनना है। और हमें क्या काम करना है, इन सभी को बारी बारी हम सब सबको भून लेना है, भूनने के बाद पीस लेना है। तो चलिए फिर कढ़ाइया चढ़ा दिए हैं, अब हम सभी मसाले अपने भून लेंगे इसमें। जैसा कि देख पा रहे हैं कलौजी मसाला मेरा पीस गया है, अब इसमें हमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले तो ये मिर्चा डाल देंगे, और इसके बाद में जितना लहसुन है सारे लहसुन को इसमें डाल देंगे। अब आम को कटिंग कर लेंगे और इसे भी डाल देंगे। ये सारा आम कट गया, अब इसमें जितना हमें नमक डालना है, चूंकि करेला भी कड़वा होता है, आम भी डाले हैं तो थोड़ा सा नमक की मात्रा ज़्यादा लगेगी। अब डाल के इनको खूब अच्छे से हमें पीस लेना है। बढ़िया एकदम मसाला तैयार हो गया है, बढ़िया से इसको हाथ से खूब मिला लेंगे, कहीं कम ज़्यादा रह जाता है नमक वगैरह नीचे, तो उसको बढ़िया से मिला लेंगे। देखिए खूब बढ़िया हो गया है रेडी। तो चलिए फिर फटाफट बनाते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि इसका नमक वगैरह कैसा है, बहुत गजब का टेस्ट एकदम आया है। तो ये सभी पूरा हम ऐसे ऐसे करके अच्छे से भर लेंगे, बहुत गजब का टेस्ट है, एकदम से खट्टा खट्टा, इसी से लग रहा है करेला टेस्टी बहुत कलौजी बनेगा। कलौजी बना के फ्रिज में रख दीजिए, नहीं कहीं भाग दौड़ कहीं से आ रहे हैं, नहीं कुछ है, चावल दाल बना लिए, एक दो पीस कलौजी निकाल के खा लिया, एकदम बढ़िया पेट भर जाता है। हम लोगों के आजकल दरअसल खेत में भी खूब होता है करेला ना, तो लोग तोड़ तोड़ के बराबर बनाते रहते हैं। चलिए फिर फटाफट भर लेते हैं, इतनी बातें बहुत हो गई, क्योंकि गर्म से एकदम हालत खराब है। ये पूरा एकदम पस तरह से सभी को भर के और ऐसे करके पूरी कढ़ैया में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं, आपको जो तेल पसंद हो उसमें बनाइए। सरसों के तेल से सोखियत बहुत अच्छी आती है, खास करके करेले की, किसी भी चीज़ करेले का कुछ भी बनाएंगे सरसों के तेल में ज़्यादा सोखियत आती है। और हल्का से इसको चला देंगे, चलाने के बाद इसको ढक देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए, एकदम धीमी आंच पे ढक देंगे, क्योंकि करेला है ये कम से कम आधा घंटा लेगा, तो दिल थाम के बैठ जाइए कि ये आधा घंटा लेगा। ये करीब 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, अब इसको हम चला देंगे। हाँ, एक चीज़ और खास ध्यान दीजिएगा कि इसमें आलू ना डालिएगा, अगर आलू डाल के बनाना है तो थोड़ा ही बनाइए, तुरंत ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि गर्मी है, फ्रिज में रखेंगे तो आलू का टेस्ट उतर जाता है, और आलू से करेला जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। या आलू डालिए तो पकते पकते निकाल लीजिए। अब इसको फिर ढकेंगे हम।
देखिए पकना स्टार्ट हो रहा, फिर करीब 5 मिनट बाद ही चलाएंगे। तो फिर करेला मेरा बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया, हमारा कलौजी बहुत ही टेस्टी यम्मी, और देखिए एकदम पक चुका है, अभी पक भी रहा है, पर अब हम गैस को करेंगे बंद और बन गया एकदम से यम्मी करेले का कलौजी, एकदम तैयार है मेरी दादी के स्टाइल में, जैसे मेरी दादी बनाती थी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। आप पसंद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कलौजी बिल्कुल टेस्टी यम्मी हमारी बन के तैयार है, फिर चलिए आप लोग एंजॉय करें, अपना प्यार सपोर्ट देना ना भूलें। तो धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।